सुपर यमी, सुपर डिलीशियस, बहुत ही आसानी से 10 मिनट में बनके रेडी हो जाने वाला केक, जो कि दिखने में बहुत सुंदर है, जिसके लिए आपको कोई गैस ऑन नहीं करनी है, कुछ बेकिंग नहीं करना है। और अगर आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, ये बना है सिर्फ और सिर्फ 9 ब्रेड स्लाइसेस से। अब अगर आप फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी का बर्थडे मिस कर दें तो इंस्टेंटली आप ये केक बना सकते हो और सबको खुश कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने लिए हैं 9 ब्रेड स्लाइसेस, ओरियो का एक बड़ा पैकेट और एक डेरी मिल्क चॉकलेट। सबसे पहले ब्रेड स्लाइसेस के जो साइड्स हैं उनको आप कट कर लीजिए इस तरीके से। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखा रही हूँ, सबके साइड्स मैंने कट कर लिए हैं। अब जो 3 ब्रेड स्लाइसेस हैं उनको आप अलग से रखें, और बाकी के जो ब्रेड स्लाइसेस हैं 6, उनमें से 3 3 के सेट लेके आप इस तरीके से कटोरी रख के इसको सेमी सर्कल के शेप में काट लें। और सेम तरीके से बाकी के जो 3 ब्रेड स्लाइसेस हैं उनको भी मैंने सेमी सर्कल के शेप में काट लिया है। कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से हो जाता है। ब्रेड का हार्ट शेप बनाने के लिए जो ट्रिक लगता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। 3 स्क्वायर के ब्रेड पीसेस आप प्लेट में इस तरीके से रखें, और जो सेमी सर्कल वाले जो 3 3 ब्रेड के सेट्स हैं वो आप इसके साइड्स पे इस तरीके से रख दें। और ये देखो, ये आपका हार्ट शेप बन के तैयार हो गया है ब्रेड का। अब नेक्स्ट हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून पानी, उसमें 1 टेबल स्पून शुगर डालेंगे और इसको आप अच्छे से मिक्स कर दें। अगर आपके पास ओरियो का बड़ा पैकेट ना हो तो आप 10 रुपीज के 2 पैकेट्स भी ले सकते हैं। अब इन बिस्किट्स में से क्रीम को सेपरेट करना है और बिस्किट्स को आप ब्रेक करके ब्लेंडर में डाल दें। ये जो क्रीम बचा है ये लेटर हम केक डेकोरेशन में यूज करेंगे। इन बिस्किट्स को ब्लेंड करने से पहले इसमें आप 1/4 कप दूध ऐड कर दें। अब इसको मिक्सर में ब्लेंड करके इस तरीके की कंसिस्टेंसी का पेस्ट हमको चाहिए। अब ले लें आप 1 डेरी मिल्क। डेरी मिल्क चॉकलेट को आप इस तरीके से ग्रेट कर लें। अगर आपको बीच में लगे कि चॉकलेट मेल्ट हो रही है तो आप इसको बीच में फ्रिज में भी रख सकते हैं 5 मिनट के लिए, तो चॉकलेट आपकी बिल्कुल सेट हो जाएगी। ये देखो, मैंने सारी की सारी कद्दूकस कर ली है। अब बनाएंगे केक। मैंने थोड़ा सा ओरियो का पेस्ट लगाया है, उससे जो ब्रेड है वो स्टिक हो जाएगी प्लेट पे और केक हमारा हिलेगा नहीं। सबसे पहले स्क्वायर पीस लगाया है, 2 सेमी सर्कल्स लगाए हैं और ये जो शुगर वाला पानी है वो लगाया है। शुगर्ड वाटर आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो आपके ब्रेड पीसेस टूटने लग जाएंगे। जस्ट अ लिटल। अगर आपके ब्रेड बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ब्रेड पीसेस आपके सॉगी ना हो। अब मैंने इसके ऊपर लेयर कर दिया है ओरियो का पेस्ट जो हमने ब्लेंडर में ब्लेंड किया था दूध के साथ, और अब इसके ऊपर एक और लेयर ब्रेड की लगा दी है सेम तरीके से। और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे एक बार फिर से। शुगर सिरप लगाएंगे, उसके ऊपर ओरियो का पेस्ट लगा देना है अच्छे से। सेकंड लेयर हो चुकी है, अब थर्ड लेयर सेम तरीके से आपको करना है। आपने ब्रेड लगाई है, 2 सेमी सर्कल्स लगाए हैं, हार्ट शेप बहुत सुंदर फॉर्म हो गया है, शुगर सिरप डाला है इसके ऊपर, और अब फाइनली आपने जो ओरियो का पेस्ट डालना है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में डालना है। और ये देखो, जैसे मैं इस पर थिक लेयर लगा रही हूँ उस तरीके से आपको कर रहे हैं। और ये जो ओरियो का पेस्ट है बहुत ज़्यादा आपका फ्लोई नहीं होना चाहिए। शुरू में आप दूध थोड़ा ही डालें बिस्किट्स को ब्लेंड करते टाइम। अगर आपको लगे कि पेस्ट बहुत ज़्यादा थिक है तो थोड़ा 1-2 चम्मच आप और ऐड कर सकते हैं। और ये देखो, पेस्ट बिल्कुल सही तरीके से सेट हो रहा है। ओरियो का जो बनाया है बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं है। और ये जो थोड़ा बहुत पेस्ट केक से बाहर आ रहा है इसको हम लास्ट में क्लीन कर लेंगे किसी टिश्यू से या किचन टॉवल से। और ये देखो, केक पे मैंने सब जगह पे लेयर कर दिया। अब आप इसको फ्रिज में रख दें 5 मिनट के लिए। ड्यूरिंग दैट 5 मिनट्स जो क्रीम बची थी उसका शेप फॉर्म कर लेंगे। उसको हाथ से इस तरीके से रोल करके उसका मैंने सर्कल बना लिया है। इसके अंदर आप चाहें तो जेम्स या टूटी फ्रूटी या चेरी भी लगा सकते हैं। मैंने लास्ट में चेरी लगाई थी, बहुत सुंदर लगा था। जेम्स नहीं थी, मुझे जेम्स ही लगानी थी, बट एनीवेज आपके पास जो अवेलेबल हो आप वही लगा सकते हो। ये देखो, इस तरीके से गोल गोल रिंग्स बना लिए। केक को फ्रिज के बाहर निकाला है और इसको टिश्यू से क्लीन कर लिया है मैंने। बट इनफैक्ट मेरे को ये स्टेप पहले करना चाहिए था, बट एनीवेज आराम से क्लीन हो गया था। अब फाइनली जो चॉकलेट श्रेड करके रखी थी फ्रिज में मैंने, उसको केक पे ऑल ओवर आप स्प्रिंकल कर दें।
केक को पूरा कवर कर देना है आपको चॉकलेट से, ये काइंड ऑफ ब्लैक फॉरेस्ट जैसा ही लुक आ रहा है आपके केक पे, और साइड में आप किसी पतले से किसी कार्ड से या किसी चीज से आप चॉकलेट को फैला दें। बाई हैंड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप बाई हैंड करेंगे तो हो सकता है केक आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। इस तरीके से केक डेकोरेट करना बहुत ही आसान तरीका है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपर्ट हो तो ही आप कर सकते हो, आप बहुत आराम से कर सकते हो। ये देखो केक करीबन सारा डेकोरेट हो चुका है, आप चाहें तो इस पे वाइट चॉकलेट भी श्रेड करके डाल सकते हो, बट मेरे पास डेरी मिल्क था तो मैंने वही डाला था। और ये देखो पूरा केक कवर कर दिया है मैंने, और ये जो रिंग्स बनाए थे उनको मैंने इस तरीके से हार्ट पे लगा दिया, आप अपने मनपसंद डिज़ाइन के हिसाब से लगा सकते हो। और बीच में मैंने इस पे चेरीज लगा दी हैं। और आप चाहें तो इस पे थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकलर्स भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकलर्स डाले हैं, बहुत ही सुंदर केक लग रहा है। और ये देखो आपका बिल्कुल 10 मिनट्स में ब्रेड केक रेडी है, किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने ब्रेड से बनाया हो और हार्ट शेप्ड है, तो ये ट्रिक भी किसी को मालूम नहीं चलेगी कि आपने ब्रेड से हार्ट शेप कैसे बनाया है, बगैर गैस चलाए बगैर बेकिंग के बहुत ही सुंदर केक बन के रेडी हुआ है। और ये देखो इसका 360 डिग्री व्यू केक का बहुत परफेक्टली बना है, बहुत अच्छा केक बना है, इट्स लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसको कट करने का तो बिल्कुल मन नहीं करा, बट एनीवेज अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत इजीली कट हुआ है ये, और ब्रेड जो है उस पर हमने शुगर सिरप लगाया था, उस वजह से भी ब्रेड सॉफ्टन हो गया है, बिल्कुल जैसे केक का ब्रेड होता है उस तरीके से। तो आप जब भी आपको 10 मिनट में इंस्टेंटली केक बना के तैयार करना हो तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कि आपने बनाई थी तो कैसी बनी थी। और रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर या सब्सक्राइब कर दें, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।